कविता को पढ़ते हुए तुलसी के रामचरित मानस का प्रसंग कि जिस समय महामानव भगवान श्री राम राजगादी छोड़कर वनवास जा रहे थे उसी समय पूरी अयोध्या नगरी या पास पड़ोस की सारी जो जनता है वो तो व्यथित थी, किंतु इसके साथ साथ प्रकृति जो है वो प्रकृति भी रो रही थी, प्रकृति भी आंसू बहा रही थी। उसका अद्भुत चित्र जिस प्रकार से तुलसी ने अपने मानस में किया है वैसा ही चित्र बापू के निधन के साथ इस आधुनिक युग के महामानव के निधन हत्या के बाद, निधन नहीं कहेंगे हत्या के बाद जो उन्होंने चित्रण किया है वो कुछ इस प्रकार का है। अपने युगधारा काव्य संग्रह में उसमें उन्होंने लिखा है कि गंगा जमुना सभी रो रही, गंगा जमुना सभी रो रही, दसों दिशाएं ध्वनित हो रही, यानी कि प्रकृति पूरी रो रही थी। एक बहुत झटका जिस व्यक्ति के माध्यम से, जिस व्यक्ति के विशिष्ट योगदान से हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसी व्यक्ति को एक मानवता के शत्रु के द्वारा हत्या करना, इससे बड़ा बड़ा विचलित हुआ था कवि, जन कवि बड़ा विचलित हुआ था। उन्होंने लिखा है कि गंगा जमुना सभी रो रही, दसों दिशाएँ ध्वनित हो रही, पृथ्वी उन्मन विकल है गगन, पृथ्वी उन्मन विकल है गगन, नील जलधि शतशः उद्वेलित, नील जलधि शतशः उद्वेलित, स्तब्ध हिमालय के शिखरों पर घनीभूत हो रहे तुहिन, स्तब्ध हिमालय के शिखर, हिमालय के शिखर स्तब्ध हो चुके हैं, स्तब्ध हिमालय के शिखरों पर घनीभूत हो रहे तुहिन, तृण तरु वृक्ष वनस्पति सारे खिन्न खड़े हैं, तृण तरु वृक्ष वनस्पति, यानी पूरी प्रकृति एक खिन्न हो चुकी है, एक स्तब्ध हो चुकी है। मृदुल मनोरम लतिकाओं की क्रांति म्लान है, मृदुल मनोरम लतिकाओं की क्रांति म्लान है, शोक क्षोभ से पशु पक्षी के मुंह उदास है। याद कीजिए उस तुलसी की, उस रामचरित मानस के वन गमन करते हुए राम के साथ उन्होंने जिस प्रकार का प्रकृति चित्रण किया है, मुझे लगता है कि ऐसा अद्भुत प्रकृति चित्रण उन्होंने इस समय बापू के हत्या के समय किया है, जो चोट लगे हैं उस समय उन्होंने किया है। ऐसा अमानवीय कृत्य जिस व्यक्ति ने किया है, अमानवीय कृत्य जिस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति को उन्होंने मानवता का महाशत्रु कहा। उन्होंने उसको हिंदू और मराठा नहीं कहा इस व्यक्ति को, जैसे कि मानवता का आज के आधुनिक युग में आतंकवाद जिस प्रकार से मानवता का महाशत्रु बनकर उभर रहा है और इसको कम करने के, इसको दबाने के लिए पूरी दुनिया एकजुट होकर उसके सामने जो जूझ रही है, उसी समय उन्होंने उस व्यक्ति को मानवता का महाशत्रु कहा था। और उसी समय उन्होंने लिखा था अपनी कविता में कि जिस बर्बर ने कल किया तुम्हारा खून पिता, जिस बर्बर ने कल किया तुम्हारा खून पिता, वह नहीं मराठा हिंदू है, वो कोई हिंदू नहीं है न मराठा है, वो पूरी समस्त मानव जाति का महाशत्रु है। वह नहीं मराठा हिंदू है, वह प्रहरी है स्थिर स्वार्थों का, अपने वैयक्तिक स्वार्थों का वो प्रहरी है, और वह मानवता का महाशत्रु है, सिर्फ मानव समुदाय का महाशत्रु है वो। तो इस प्रकार से उन्होंने उस व्यक्ति को पूरी समस्त मनुष्य जाति का महाशत्रु घोषित किया है। जैसे कि मैंने आप लोगों से शुरुआत में बताया कि अपनी निजी जिंदगी का चित्रण भी रचनाकार किस रूप में करता है, उसकी एक कविता है, यहाँ कुछ शब्द हैं, कुछ पंक्तियाँ हैं आप लोगों के सामने। उन्होंने अपनी वैयक्तिक जिंदगी का चित्रण किया है कि किस रूप में, और एक किसान परिवार में कैसे, एक छोटे से परिवार में उनका जन्म हुआ था और कैसे अभाव झेलते हुए बड़े हुए थे, उसका चित्रण करते हुए लिखते हैं कि पैदा हुआ था मैं दिनहीन अपठित, पैदा हुआ था मैं दिनहीन अपठित, किसी कृषक कुल में आ रहा हूँ पीता अभाव का आसव। कृषक जो होता है वो हमेशा दीन होता है, हीन होता है और अभाव से ग्रस्त होता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि किसी कृषक कुल में पैदा हुआ था मैं दिनहीन अपठित, किसी कृषक कुल में आ रहा हूँ पिता अभाव का आसव, ठेठ बचपन से लेकर आज तक मैं जूझता रहा हूँ अपने अभाव से, अपने आर्थिक विपन्नता से। इसी प्रकार से कहते हैं कि नागार्जुन ने एक बड़ी अद्भुत कविता है, मुझे स्पर्श कर गई है, भिक्षुणी को माध्यम बनाकर उन्होंने लिखा है। दोस्तों कहते हैं कि जो संवेदना होती है, जो आस्था होती है, जो स्वप्न संजोया जाता है, वो कोई किसी उच्च या मध्यवर्गीय स्त्री की
लिए ही सेट नहीं है, एक सामान्य नारी जो है, भिक्षुणी नारी है, उसके मन में अपने जीवन को लेकर कितने अद्भुत स्वप्न संजोए हैं उसने, और वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार से अपनी जिंदगी के प्रति उनको आस्था है, उस आस्था के स्वर को कहते हैं कि प्रेमचंद ने अपनी इस कविता में ढालने का प्रयास, सॉरी नागार्जुन ने अपनी इस कविता में ढालने का प्रयास किया है, वो भिक्षुणी की एक प्रकार के जीवन की लालसा जो वो अपने अपने परिवार से, अपने पति से क्या चाहती हैं, मातृत्व की उसकी जो झंखना है वो किस हद तक उनका चित्रण नागार्जुन ने यह किया है वो जरा देखने लायक है, कि किसी उच्च वर्ग की नारी का ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को इसी रूप में जिए, एक गरीब भिक्षा मांगने वाली स्त्री भी अपनी जिंदगी को एक इस प्रकार से जीना चाहती हैं, जैसे वो लिखते हैं कि कोई एक होता, बड़ी अद्भुत कविता मुझे ये स्पर्श कर गई है, कि कोई एक होता कि जिसको अपना मैं समझती, अपने पति के बारे में कहते हो, कि कोई एक होता कि जिसको अपना मैं समझती, भले ही वह पीटता भले ही मारता, भले वो पीटे उसे पीटे मारे, भले ही वह पीटता भले ही मारता, किंतु किसी क्षण में प्यार भी करता। देखिए प्यार भी वो चाहती हैं, अपने पति से इस प्रकार का प्यार, भले वो पीटे मारे किंतु कभी मुझे प्यार भी वो करता। आगे वो लिखते हैं कि जीवन रस उड़ेलता मेरे स्थिर पात्र में, जीवन जीने का जो रस है वो मेरे इस खाली पात्र में उड़ेलता, जीवन रस उड़ेलता मेरे स्थिर रिक्त पात्र में, भूख मातृत्व की मेरी मिटा देता। देखिए मातृत्व की जो भूख है ना वो हर नारी की होती है। आपने कुछ समय पहले एक घटना अखबार की सुर्खियों में सुनी होगी, अहमदाबाद के एक अस्पताल से एक मानसिक असंतुलित स्त्री ने एक नवजात बच्चे का अपहरण किया। अब वो तो मानसिक रूप से असंतुलित है पर उसकी जो भूख है बच्चे की, अपने संतान की, वो मिटाने के लिए उसने ये किया था। तो कहते हैं कि यहाँ एक भिक्षुणी नारी जो है वो चाहती है अपने पति से कि भूख मातृत्व की मेरी वह मिटा देता, स्त्रीत्व का सुफल पाकर अनायास धन्यमय होती कृतकृत्य होती। ये एक भिक्षुणी नारी का चित्रण है, वो भी चाहती है अपने जीवन के प्रति आस्था, आस्था का स्वर है, एक नए आशा है, विश्वास है, और उसको सजीव रूप से कहते हैं कि नागार्जुन ने इसमें उभारने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से उन्होंने राजनेताओं पर विशिष्ट व्यंग्य किया है अपनी कविताओं में, और महामानव गांधी का नाम लेकर जिस प्रकार से राजनीति पिछले काफ़ी समय से चली आ रही थी, उनके ही नाम पर जिस प्रकार से प्रजा को मूर्ख बनाकर जो वोट मांग रहे थे, अब समय परिवर्तित हुआ है, विकास के नाम पर राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पर उस समय उन्होंने लिखा है अपनी कविता में कि बेच बेच कर गांधी जी का नाम, बटोरो वोट, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, राजघाट पर बापू के वेदी के आगे अश्रु बहाओ। तो जिस प्रकार से राजनेता जो हैं अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए बापू का नाम लेकर वोट बटोरते थे, उसी को उन्होंने अपनी इस कविता में व्यंग्य के माध्यम से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। एक प्रकृति चित्रण हमने उस समय उस बापू के वध के समय देखा था, उसी प्रकार से प्रकृति विषयक जो प्रेम है और इसकी गंध सुगंध के प्रति आसक्तिपूर्ण जो नज़रिया होता है, वो कहते हैं कि कवि की पीड़ा जो है, अवसाद जो है, दुख जो है, उसमें जब कवि खो जाता है उसी समय प्रकृति जो होती है उसे नया जीवन प्रदान करते हैं, और इसी का एक चित्रण उन्होंने यहाँ अपनी कविता में किया है कि दूर कहीं अमराई में कोयल बोली, दूर कहीं अमराई में कोयल बोली, परत लगी चढ़ने झिंगुर की शहनाई पर, परत लगी चढ़ने झिंगुर की शहनाई पर, वृद्ध वनस्पतियों की ठूठी शाखाओं में पोर पोर टहनी टहनी का लगा दहकने, पैसों निकले मुकलों के गुच्छे गदराए, अलसी के नीचे फूलों पर नब मुस्कुराया। ये शतरंज के पंखों वाली कविता की पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने प्रकृति चित्रण किया है, और यही प्रकृति जो है वो कवि को एक नया जीवन देती हैं, एक नई प्राह देती हैं, एक कहते हैं कि कविता लिखने के प्रति उकसाती हैं, और ख़ास कर से उसका जो दुख होते हैं, उसकी जो व्यथा है, उस व्यथा को वो कम करते हैं। एक जगह पर उन्होंने कहते हैं कि दो प्रकार की समाज में स्थिति है, एक नागरिक जीवन है और दूसरा ग्रामीण जीवन है, शहरी जीवन है और दूसरा ग्रामीण जीवन है, और उन दोनों में एक बहुत बड़ी खाई है। एक तरफ आप देखें तो सुविधाएं सुविधा हैं और दूसरी तरफ देखें तो आर्थिक विपन्नता है, सुविधाओं से अभाव है, यहाँ तक कि शिक्षा का भी अभाव है, आवश्यक जो हमारे जीवन जरूरियात की चीज़ें हैं उसका अभाव है। तो इसकी जो विपरीतता है और उसका वैषम्य जो है, उस वैषम्य को भी उन्होंने अपने खुरदर पैर नामक कविता में चित्रित करने का प्रयास किया है। वो लिखते हैं इसमें कि दे रहे थे गति
एक एक पैडल साइकिल चलाने वाले व्यक्ति का चित्रण है इसमें, कि किस प्रकार से वो अपने मंजिल को नापने के लिए जा रहा है। और उस समय उन्होंने वामन के उन तीन कदमों की जो बात है पृथ्वी को नापने की, उसके साथ तुलना की है कि किस प्रकार की गरीबी का चित्रण है, किस प्रकार से श्रम की उन्होंने कहते हैं पसीने से तर बतर वो साइकिल चलाकर पैडल रिक्शा चलाकर जा रहा है। उसमें वो लिखते हैं कि दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पैडलों को, उस पैडल के ऊपर रबड़ भी नहीं है, रबड़ लगाने का सामर्थ्य भी उसके पास नहीं है, पर गति देने का प्रयास हो रहा है कि दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पैडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, यानी कि तीन चक्र वाली साइकिल, दो पीछे लगा है एक आगे लगा है, दे रहे थे गति रबड़ विहीन ठूंठ पैडलों को, चला रहे थे एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, कर रहे मात दे रहे थे, जिस प्रकार से वामन ने तीन कदमों में पूरी पृथ्वी को नाप लिया था, उसी प्रकार से इस एक गरीब मजदूर जो हैं, गरीब व्यक्ति जो हैं, वो अपनी साइकिल को इस रूप में चलाने का प्रयास कर रहा है, इस तेजी से चलाने का प्रयास कर जैसे वो भी मात हो रहा है। वामन के तीन कदमों वाली जो बात है, तीन कदम जो हैं वो भी इसके सामने मात हो रहे थे, एक नहीं दो नहीं तीन तीन चक्र, कर रहे थे मात त्रिविक्रम वामन के पुराने पैरों को, नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, नापने का प्रयास है तो अपने मंजिल तक उसे पहुंचना है, जल्दी से पहुंचना है, इसलिए जिस तेजी से वो जा रहे हैं उसके सामने वामन की वो परिस्थिति थी तीन कदमों वाली, तीन कदम में पृथ्वी को नापने की, वो भी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से एक खुरदरे पैर नामक कविता में रचनाकार ने एक पैडल रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के माध्यम से उसकी जो अभिलाषा है उसका चित्रण उन्होंने यह किया है। एक और बात उनके कविता में नज़र आती है, खास करके कहते हैं कि नेल पॉलिश वाली जो महिलाएं हैं, खास करके उच्च घराने की जो महिलाएं हैं, हमेशा अपना वो समय जो है अपनी सजधज में चला जाता है, और ऐसी जो नारियां हैं वो नारियां किस प्रकार से हमारे इस लोकशाही में चुनाव में अपने मताधिकार से वंचित रहती हैं, यानी कि उसको टालने का प्रयास करती हैं। बार बार आप लोग हम लोग देख रहे हैं कि बार बार एक आवाज़ उठते हैं कि ये जो चुनाव में मताधिकार है वो फर्जियात कर देना चाहिए, किंतु ये कितना संभव है वो बात अलग है, किंतु यहाँ उन्होंने उस उच्च घराने की जो नारियाँ हमेशा अपने शरीर को संजोए रखती हैं, नेल पॉलिश लगाते रहते हैं, लंबे लंबे नख बढ़ाते रहते हैं, उस नारियों की कैसी उसके प्रति उदासीनता है, उसको एक कविता उनकी जयती नखरंजनी उसमें उन्होंने लिखा है, एक व्यंग है इन नारियों के पर, कि भले वो अपनी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी से वो कतरा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, और वोट देने के लिए वो जाते हैं और उस स्थिति को देखकर वो वापस लौट आते हैं। इसमें कारण क्या है तो वो अपनी कविता में लिखते हैं, कहते हैं कि करीब के पार्टी कैंप तक जाकर, पार्टी का जो कैंप होता है, करीब के पार्टी कैंप तक जाकर पूछ ली अपनी क्रम संख्या। किसकी बात है? उच्च घराने की जो नारियां हैं, उच्च वर्ग की भारतीय नारियां हैं, उसके बारे में है कि करीब के पार्टी कैंप तक जाकर पूछ ली अपनी क्रम संख्या, तत्पश्चात आगे बढ़ी पोलिंग बूथ की ओर। फिर पोलिंग बूथ की ओर आगे बढ़ती हैं, आ रहा था डालकर वोट एक अधेड़, एक उम्र लायक व्यक्ति वोट डालकर आ रहा था डालकर वोट एक अधेड़, उंगली की जड़ में चमक रहा था काला निशान, जो उंगली की जड़ में लगाया जाता है, जो मिटता नहीं है, कुछ समय तक लगा रहता है, तो उंगली की जड़ में चमक रहा था काला निशान, ठमक गए सहसा बेचारियों के पैर, रुक गए उनके पैर, ठमक गए सहसा बेचारियों के पैर, क्यों रुक गए? तो कहते हाय इतने सुंदर हाथ हो जाएंगे दागे, इतने सुंदर हाथ हो जाएंगे दागी। तो अपने हाथ के सौंदर्य को, यानी कि अपने सौंदर्य को बनाए रखने के लिए वो नारियां जो हैं, उच्च घराने के नारियां हैं, वो अपने अधिकार से वंचित रहती हैं, और अधिकार से वंचित रहने के कारण न जाने परिस्थिति कितनी बदल जाती हैं, इसलिए उनकी एक वेदना है। इतनी छोटी सी बात को उन्होंने किस रूप में हमारे सामने रखने का प्रयास किया कि बात छोटी सी है, एक छोटे से काले रंग से क्या उनके हाथ इतने बिगड़ जाएंगे कि वो अपने अधिकार से वंचित होकर वापस लौटते हैं? पर रचनाकार की जो दृष्टि होती है, पैनी होती है, उन्होंने इसको पकड़ लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहते कि इंग्लैंड की जो रानी थी उस समय, उसके ऊपर भी व्यंग करते हुए हमारे
प्रतीक लिए हैं हमारे धार्मिकता का, कहते हैं खास करके धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने जो व्यंग किया है वो इस प्रकार से किया है कि कितना खून पिया है जाति नहीं कुमारी। इंग्लैंड की जो महारानी थी उसके ऊपर वो लिखते हैं, एक दो ही लाइन की कविता की दो ही लाइन है, वो कहते हैं कि कितना खून पिया है जाति नहीं कुमारी, सुर्ख और लंबी है मैया जीभ तुम्हारी। महाकाली माता की बात है, महाकाली से प्रतीक लिया है। महाकाली का चित्र आप देखिए, उनके जीभ जो हैं वो हमेशा खून के प्यासे रहते हैं, तो उसको प्रतीक मानकर उन्होंने एक बहुत बड़ा व्यंग कर दिया है कि कितना खून पिया है जाति नहीं कुमारी। इस प्रकार से भारतीय समाज को ही नहीं पूरे विश्व में अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य के माध्यम से चूसने का जो प्रयास किया है, खून पीने का जो प्रयास किया, शोषण जो किया है, उसी को रचनाकार इस रूप में ढालते हैं कि कितना खून पिया है जाति नहीं कुमारी, सुर्ख और लंबी है मैया जीभ तुम्हारी। तो धार्मिक प्रतीक के माध्यम से भी वो नागार्जुन जो हैं वो एक व्यंग कस देते हैं। दूसरी एक बात उन्होंने फिर धनी वर्ग के ऊपर लिखा है, व्यंग किया है, उनकी एक कविता है जिसमें कहते हैं खासकर एक और हमारे यहाँ दो वक्त का भोजन जुटाने की चिंता है, एक वर्ग ऐसा भी है जो भूखा रात बिता देता है, खाने को नहीं है तो सो जाता है, सुबह कुछ मिला तो भी नहीं, नहीं मिला तो भी कुछ नहीं, और दूसरी ओर हमारे यहाँ एक धनिक वर्ग हैं जिस वर्ग के पास इतने सारे संपत्ति हैं, इतनी सारी पूंजी हैं कि जिसको खर्च कहाँ कैसा करें ये कोई मायना नहीं रखता है, और इसलिए धनी वर्ग का विवाह जो होता है, उत्सव जो होते हैं, उसमें जो बढ़ चढ़ कर खर्च करते हैं, पैसे जो फिजूल पैसे उड़ाते हैं, उनके फिजूल खर्चे और प्रदर्शनी, और ये मात्र प्रदर्शन होता है, धन का प्रदर्शन होता है, उसके ऊपर रचनाकार की कलम जो है वो चलती हैं और वो लिखते हैं, शादी क्या है, वैभव का है या उन्मत्त प्रदर्शन। हम देखें आप बड़े बड़े घराने की, बड़े बड़े राजनेताओं की जो शादियां होती हैं, उनके संतानों के जो शादियां होती हैं, उसमें जो पैसे खर्च किए जाते हैं, धन का फिजूल प्रदर्शन किया जाता है, उसको उन्होंने देखा है, और इसको देखकर उन्हें इतनी चोट लगी है कि एक और निर्धनता से हमारे समाज में बहुत बड़ा वर्ग जी रहा है जिसको दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं है, और दूसरी ओर इतने सारे पैसे फिजूल खर्चे में उड़ाए जा रहे हैं, तो वो चोट करता है उनको, और उसके इसलिए उनके ऊपर वो लिखते हैं कि शादी क्या है, वैभव कहाँ है यह उन्मत्त प्रदर्शन, रेशम की यह चकाजोत मणिमुक्ता का उद्दीपन, रेशम की यह चकाजोत मणिमुक्ता का उद्दीपन।